झांसी की रानी, पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स में आज हर किसी की फेवरेट बन चुकी हैं अभिनेत्री कृतिका सेंगर, जो कि आज उन अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करती हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्म बैकग्राउंड के खुद को टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार किया है। इनके चेहरे की मासूमियत और इनका सादगी भरा अंदाज दर्शकों को इस कदर दीवाना बना गया कि ये तो इंडस्ट्री में काफी समय तक दूर होने के बावजूद भी दर्शकों पे राज कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेत्री कृतिका सेंगर के बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनके रियल लाइफ बच्चे के बारे में जानते हैं? क्या आखिर वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके रियल लाइफ बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही साथ अभिनेत्री कृतिका सेंगर के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को कानपुर में हुआ था और इसी के लिए तो इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई थी। वहीं अगर बात की जाए इस बेहतरीन अदाकारा के अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने साल 2007 में आई सीरियल सास भी कभी बहू थी से छोटे पर्दे पर अपना पहला डेब्यू किया, जिसके बाद तो इन्हें टीवी के कई और सारे लोकप्रिय सीरियल्स में अभिनय करते हुए देखा गया, जिनमें झांसी की रानी, सर्विस वाली बहू, कसम तेरे प्यार की और कसौटी जिंदगी की जैसे कई तमाम सीरियल्स शामिल हैं। इन्हें बड़े पर्दे पर भी अभिनय करते हुए देखा गया है, जहां इन्होंने माय फादर गॉड फादर मूवी में अभिनय किया और साथ ही साथ वहीं वर्तमान में ये अपने अभिनय करियर को कंटिन्यू बनाए हुए हैं, जहां इन्हें कलर्स चैनल के शो छोटी सरदारनी में देखा जा रहा है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए इनके बच्चे के बारे में तो आपको बता दें कि कृतिका सेंगर ने साल 2014 में अभिनेता निकेतन धीर के साथ शादी रचाई थी, जिनकी शादी को आज पूरे 6 साल हो गए हैं, जिसके चलते कुछ समय पहले कृतिका सेंगर के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन सभी खबरों को अफवाह बताया और कहा कि अभी ये दोनों ही अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, जिसके चलते इनका अभी तक अपना तो कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये अपने शो पुनर्विवाह के बाल कलाकार दिव्यम दामा को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, जहां शो में दिव्यम दामा ने इनका दिल इस तरीके से जीता था कि शो के दौरान ही दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दोनों के एक दूसरे के साथ सेट पर काफी ज्यादा मौज मस्ती करते हुए नजर आते थे। वहीं आज शो के इतने सालों बाद भी इन दोनों के बीच में पहले की तरह ही रिश्ता बरकरार है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इतने सालों बाद शादी के क्या कृतिका सेंगर को अब अपने बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ऐसे दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।